नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या मतलब है? आज जब भी मेरे साथ चलेगा, नजरें झुका के चलेगा, लोगों के सवालों के जवाब देते देते वो थक जाएगा। मैं तो गांव छोड़ आई थी, मेरी वजह से उसको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। माँ, मैं नहीं चाहती जो लड़ाई मैं लड़ी हूं उससे उसको कोई नुकसान हो। तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसने तुम्हारे मामू मामानी बल्कि सारे गांव वालों को यही बताया था कि तुम पढ़ लिख रही हो, एक दिन कुछ बनकर गांव वापस लौटोगी। बेटा, मुझे इस बात का यकीन कि एक दिन वो तुम्हारा हाथ थाम कर जब गांव वापस लेकर जाएगा तो गांव वाले फख्र महसूस करें, तुम्हारे मामू मामानी सब मिलकर। मुर्शिद सॉरी, मैं जानता हूं तुम्हारा इस मस्ते से कोई लेना देना नहीं है। अदालत का हक का फैसला आना बहुत जरूरी था और तुम्हें तो फख्र होना चाहिए, एग्जाम्पल हमने घर पे सेट किया। वो ना समझ है, उसे फंसाया गया है। नूरा और बख्तू दोनों इसमें शामिल थे। वो कैसे? बख्तावर और नूरा ने मिलकर उसे ट्रैप किया है। गुड़िया, वो कोई नुकसान तुम्हें क्यों पहुंचाना चाहेगी? तुम्हारे लिए, हमारी शादी को रोकने के लिए। वो नहीं चाहती है कि हमारी शादी हो। क्यों नहीं चाहेगी वो? Come on, Dilawar, don't be a child. वो तुम्हें पसंद करती है। She's madly in love with you. मैंने उसकी आंखों में देखा है। जिसे तुम अकीदत समझते हो ना, वो मोहब्बत का जज्बा था और उसे अपनी औकात भी पता थी, इसीलिए बख्तू का बेस बनाकर तुम्हारे साथ आई, तुम्हारे करीब होने के लिए। डर लगता है मुझे इस लड़की से, जैसे वो कुछ कर जाएगी। क्या कर जाएगी? वो तुम्हें मुझसे छीन लेगी। हेलो जी मोहसिन भाई। हाँ दिलावर, एक इंफॉर्मेशन मिली है, सोचा तुमसे शेयर कर। उस नेटवर्क का पता चल गया है जो बख्तावर को टारगेट कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली उस नेटवर्क के ताने बाने जाकर आपके होने वाली मिसेस पूरिया दस्तगीर से मिलती है।